बैक टू द चैनल। मैं हूं सीमा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आशा करती हूं सभी दोस्त भाई बहन बहुत ही अच्छे हो। इसी आशा के साथ अपने वीडियो शुरू करती हूं फ्रेंड्स। तो आज जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसी बात के साथ अपनी वीडियो शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स है उन्होंने बोला था, मेरी एक हाइबिस्कस की वीडियो थी उस पर बोला था, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाइबिस्कस की बर्ड्स गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं। उसकी जवाब देने के लिए बहुत दिनों से ये सोच रही थी इसकी वीडियो बनाऊं लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज सोचे ये वीडियो बना लूं क्योंकि मेरे खुद की प्लांट पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ बना लूं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मैं पहले आती हूँ इंसेक्ट्स और पेस्ट के बारे में। तो ये क्या होता है, कभी कभी हमको नहीं दिखाई देता, बहुत सारी ऐसे इंसेक्ट होती है, ऐसे पेस्ट होती है जो आपकी कलियाँ जब आती है, जब शुरू होती है वो बनना, उस पर उसके अंदर घुस जाती है, ऐसी इंसेक्ट भी होती है। थ्रिम्स कह के एक उसका नाम थ्रिम्स है, एक ऐसी इंसेक्ट है जो आपकी जो कलियाँ होगी बहुत पहले ही ऐसे यहाँ से आपको दिखने के कभी कभी नज़र भी नहीं आता, छोटी होल करके वो कली के अंदर घुस जाती है और वहीं रह के अपने अंडे वंडे दे के उस पर बहुत सारे लार्वा भी हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी प्लांट की जो आपकी बर्ड्स की जो अंदर की जो जो भी है उसको खा खा के वो लार्वा अपने आप को ग्रो करती है। लेकिन आपकी कली क्या होती है, येलो कलर की होके पीली होके ये गिरने लगती है। तो हम सोचते हैं कि हम बाहर से नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, ये स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे करते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। मेरी बहुत सारे व्यूअर्स ने भी कहा है कि आपने तो कहा था कि नीम ऑयल का स्प्रे करने से ये प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने इसलिए आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि नीम ऑयल का स्प्रे आप ऊपर से जितना भी करो, अगर आपकी बर्ड्स के अंदर ही इंसेक्ट घुस जाए तो आप कैसे उसको निकालोगे। बाहर से अगर आप जितना भी ट्राई कर लो, जितना भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर लो, कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लो, कोई काम नहीं होगा क्योंकि वो बाहर से आपकी जो बाहर से प्लांट को इंसेक्ट को हटाएगा, लेकिन अंदर जो घुसा है उसको आप कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको तो पहले आती हूँ फ्रेंड्स ऑर्गेनिक तरीके। आपको पहले ही चेक करना चाहिए, आपको पहले ही प्लांट की जो मिट्टी है उसको चेक करना चाहिए कि आपकी मिट्टी पे कोई इंसेक्ट है तो नहीं। क्या कभी कभी क्या होता है, जो इंसेक्ट होती है वो रूट से जाके अपने आप ही आपकी बर्ड्स में आ जाती है और कलियों को खाने लगती है और कभी कभी यहाँ से भी छोटी छोटी होल करके भी अंदर घुसती है। तो इसके लिए आपकी जो इसकी जो इलाज होगी वो सिस्टमेटिक होगी, यानी कि आपकी जो केमिकल वाला दवाई है उसको ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो मैं नहीं कहती कि केमिकल वाला आप यूज़ करो, लेकिन अगर आपकी प्लांट्स की जो बड है वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं निकल रहा हो तो आपको केमिकल का यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए आपको एनोमीडा नाम की एक मैं इसकी जो नाम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिख दूँगी, एनोमीडा कह के एक दवाई आती है जो सिस्टमेटिक होती है, यानी कि आपकी जो प्लांट की जो मिट्टी है उस पर अगर आप मिला दोगे और तो अंदर से रूट से जाकर आपकी प्लांट के अंदर जाके वो इंसेक्ट को मारता है और नहीं होने देता। और आप ऊपर से भी इसको स्प्रे कर दो तो आपकी प्लांट पे जो भी जो रेड फ्लाइज है, पेस्ट है और वाइट फ्लाइज है, मिली बग्स है, वो भी अगर आप ऊपर से भी स्प्रे कर दो, मिट्टी पे भी मिला दो तो आपकी प्लांट की एकदम ये सभी जो इंसेक्ट की प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम तो केमिकल यूज़ नहीं करते, हम ऑर्गेनिक चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देते है, तो इसलिए पहले ही हमको ध्यान देना चाहिए जब भी प्लांट लगाओ। एक्चुअली मुझसे भी ये भूल हो गई कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे किया, ऊपर से मिट्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मिट्टी पर भी आप जो नीम खाद होती है या नीम की पत्ती होती है वो रेगुलरली कुछ दिन बाद आप नीम की पत्ती अपनी जो पॉट की जो मिट्टी है उस पर देते रहने से ये सब जो इंसेक्ट है वो आपकी प्लांट को ख़राब नहीं कर सकती। और हल्दी का भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत हल्दी भी दे सकते हो प्लांट को ऐसे चीज़ों से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए।
तो इसका आप ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनोमीडा जो है उसको आप कैसे दोगे, मेरे यहाँ मिलती है एनोमीडा नाम की, और बहुत सारी दवाई है आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी ऐसे केमिकल वाला दवाई। तो एनोमीडा की मैं बात कर लूँ, इसको आप 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के उसको अच्छी तरह मिट्टी में भी मिला दो, इसकी जो पानी है वो मिट्टी पर भी मिला दो, ऊपर से पूरी प्लांट पर भी स्प्रे कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप केमिकली इसका इलाज कर सकते हो। तो ये गई इंसेक्ट की बात कि इंसेक्ट के कारण आपके जो बर्ड्स है वो गिर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके प्लांट एकदम हेल्दी है, कोई इंसेक्ट अटैक नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी गिर रहे, तो आप ध्यान से, क्योंकि अभी बारिश भी आने लगी है, तो बारिश के समय क्या होता है, आप प्लांट को जितना भी खाद वगैरह डालो तो ओवर वाटरिंग करके वो चला जाता है, धोकर चला जाता है, तो प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और आपको पता है जब भी आपके प्लांट पे फ्लावरिंग होनी शुरू होती है तो आपको ऊपर से खाद डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जितना भी मिट्टी पे खाद मिला लो, ठीक है, तो डालने की आपको ज़रूरत होती है। तो आप इस पर खाद डालने की भी, बारिश अगर चला जाए, जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए तो उस पर आप, क्योंकि अभी बारिश है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए, आप जो पाउडर होती है जैसे कि जो मास्टर खली होती है उसको एक पोटली बना के आप दे सकते हो साइड से, धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होकर प्लांट को न्यूट्रिशन पहुँचाएगी। और कभी कभी क्या होता है, प्लांट को जो कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी या फिर मैग्नीशियम की कमी के कारण भी आपके प्लांट की जो पोटेशियम की कमी, ऐसी बहुत सारी कमी के कारण भी आपके प्लांट की जो बर्ड्स है वो आती तो है लेकिन वो खिल नहीं पाती। इस कमियों के कारण, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण आपके प्लांट की जो कली है वो नहीं खिल पाती। तो इसके लिए इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपकी आपको क्या करना है, अगर आपको इंसेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ध्यान से आप प्लांट की जो खाद है उसको प्लांट को खाद दीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्लांट हो, सिर्फ हाइबिस्कस ही नहीं, कोई भी प्लांट हो, इसको जब भी आप इसकी पर फ्लावरिंग शुरू हो इसको खाद की ज़रूरत होती है। और पॉट पे लगाया हुआ तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी पे लगाने से आपको आपके प्लांट को जो रूट है वो ही दूर दूर फैलता है और आपके प्लांट के लिए जो न्यूट्रिशन की जुगाड़ कर लेती है। लेकिन पॉट पे लगाने से क्या होता है, हम तो ऊपर से आपको खाना देना पड़ता है, वो अपने आप नहीं जा सकता, नहीं अपने लिए खाना ला सकता, तो इसके लिए हमको ऊपर से ही इसको न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके प्लांट पे कहीं न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ठीक है। ये गई दूसरी बात। तीसरी बात गई फ्रेंड्स सनलाइट की। कभी कभी क्या होता है, इस पर फ्लावरिंग जो कली आती है लेकिन प्रॉपर सनलाइट के कारण, जितना सनलाइट हाइबिस्कस की प्लांट को चाहिए, अगर आप उतने सनलाइट इसको नहीं दो तो इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हाइबिस्कस को बहुत ही अच्छी लगती है धूप, क्योंकि ये समर की फ्लावर है, समर में ये बहुत ज़्यादा खिलती है, तो इसको धूप बहुत पसंद है, तो इसको प्रॉपर धूप भी चाहिए। तीसरी बात गई ये कि सनलाइट इसको फुलफिल आप इसको सनलाइट दीजिए, ठीक है, जहाँ एकदम 5-6 घंटे की धूप लगती हो वहाँ इसको आप रखें। चौथी बात गई इस पर वाटरिंग। इस पर ना ज़्यादा वाटरिंग करोगे ना कम वाटरिंग करोगे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं हो सकती और ओवर वाटरिंग भी नहीं हो सकती, दोनों कारण ही आपकी प्लांट की जो कलियाँ हैं वो गिरने लगती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी, 2-3 दिन देर कर दी, अगर आपके पॉट पे लगाया हुआ हो 2-3 दिन देर कर दी, एकदम मिट्टी एकदम ड्राई हो चुकी है, तो भी आपकी जो जो प्लांट है उसकी जो कली है वो गिर जाएगी। और अगर जैसे कि देखो ये इसकी अभी, क्योंकि बारिश है, अभी मिट्टी एकदम गीली है, मॉइस्ट है मिट्टी, ठीक है, तो इस पर अगर मैं फिर से पानी दूंगी ये ओवर वाटरिंग हो जाएगी, तब भी आपके प्लांट की जो कली है वो गिर जाएगी। अब आती हूँ ये जो पीली पत्ती आप देख रहे हो, इस प्लांट को इंसेक्ट का अटैक हुआ है, इस पर कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि इसको भरपूर मात्रा में मैंने न्यूट्रिशन दे के इसको लगाया, फिर बारिश शुरू होने से पहले भी मैंने इसको न्यूट्रिशन दे दिया। और ये जो पीली पत्ती देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है, लोग भी पूछते हैं कि पीली पत्ती, पत्तियाँ पीली हो रही है, तो जो पत्तियाँ मैच्योर्ड हो जाती है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेती है, अपनी इसकी एक उम्र हो जाती है, तो अपनी ये जो पीली पत्ती आप देख रहे हो ये अपने आप ही पीली होकर गिर जाती है, ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर सभी पत्तियाँ पीली हो रही तभी घबराओ, वरना ये जो कुछ कुछ देख रहे हो 1-2 पत्ते पीली हो गए, उसके लिए कोई भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो इस ऐसे ऐसे ही आप अपने प्लांट की जो बड्स है उसको आप रोक सकते हो फॉलिंग होने में, इसको गिरने में। और फर्टिलाइजिंग में अभी आती हूँ फ्रेंड्स कि आप इसको किस तरह फर्टिलाइज करोगे बारिश के मौसम में। तो पहले आप पॉट का ध्यान ज़रूर रखें। देखो मैंने जो लगाया हुआ है, देखो कितना सारा मैंने लगभग बहुत सारी ऐसे जगह खाली रखा है ताकि
मिट्टी जो है ओवरवाटरिंग होके ना निकल जाए, ठीक है। इसलिए बारिश में आप पॉट की मिट्टी थोड़ी सी कम रखो ताकि इस पर पानी गिरे लेकिन ऊपर से ना जाए, क्योंकि आप बारिश की पानी तो नेचुरल है, वो आएगी ही, उसको तो आप नहीं रोक सकते। तो आप पॉट की ध्यान रखना, पॉट की पूरा मिट्टी से आप ना भरो, उसकी थोड़ी सी ही ऐसे जो ऐसे मेरी तरह थोड़ी सी खाली रखना, ठीक है। तो पॉट की जो मिट्टी है वो नीचे नहीं गिरेगी। और गई बात इसकी फर्टिलाइज़र की, तो अभी आप बारिश है लिक्विड फर्टिलाइज़र मत यूज़ करो। अगर कुछ दिन तक धूप रहे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र की यूज़ कर सकते हो। लिक्विड फर्टिलाइज़र फर्टिलाइजिंग में आप इसको जो खली का पानी है वो दे सकते हो। खली का पानी में जो बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, NPK भरपूर मात्रा में होती है, जो खली का पानी होती है उस पर, खली का पानी जो खली होती है उसको अगर आप डीकम्पोस्ट 7-8 दिन तक डीकम्पोस्ट करके दो तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको आप दे सकते हो। बनानी पिल की फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, आप इसको ऑरेंज पिल की जो फर्टिलाइज़र है भिगो के दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हो। और अब आती हूँ इस पर, और नीम ऑयल का स्प्रे आप ध्यान से कुछ दिन बाद करते रहना, ठीक है। क्योंकि नीम ऑयल का स्प्रे अगर करोगे तो मिली बग्स नहीं आएंगे, तो मिली बग्स भी अगर आ गए तो चींटियाँ भी आने लगते हैं, तो इसलिए तो और चींटियाँ क्या करती है और मिली बग भी क्या करती है, बहुत सारे इंसेक्ट को अपने साथ ले आती है आपके प्लांट में और धीरे धीरे आपके प्लांट में अपने आप को फैलाती है और बहुत ख़राब लगती भी और प्लांट के लिए भी बहुत बुरा होता है। तो इसलिए आप एकदम एक रेगुलरली आप लगभग 3-4 दिन बाद या फिर हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर से करना। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपके समझ में आ गई या फिर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। और अपना ध्यान रखिएगा, अपने प्लांट्स का ध्यान रखिएगा, अपने चारों तरफ ग्रीन बनाइए। और अभी बारिश है, हो सके जितना हो सके प्लांट्स लगाइए। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।